नमस्कार, मैं सचिन गावरे, आपका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अब होगा तेज तरार खबरों का आगाज, तो चलिए शुरुआत कर दें आज की बड़ी खबरों से। अलग अलग जगहों पर गुरुवार को कुल 3 रेलवे हादसे हुए। इन हादसों पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, एक दिन में 3-3 ट्रेनों पटरी से उतर गई, इसलिए कहता हूँ खूंटा बदलने से नहीं, संतुलित आहार देने व खुराक बदलने से भैंस ज्यादा दूध देगी। बीजेपी आईटी सेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करना उसके व्यवहार की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भी फॉलो करते हैं। दरअसल पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद ट्विटर पर टिप्पणी करने वाले कुछ लोगों को मोदी फॉलो करते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल के 2,765 कर्मचारियों का तबादला इंटेलिजेंस ब्यूरो में करने की मंजूरी दी है। बतौर रिपोर्ट्स, इस फैसले का मकसद पूर्ववर्ती सीमा क्षेत्र में जमीन पर आईबी की उपस्थिति को बढ़ावा है। इसके तहत एसएसबी के सिविल विंग का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आईबी का दिया जाएगा। बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम के हिसार स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में शुक्रवार से तलाशी अभियान शुरू होगा। सिरसा के उपायुक्त प्रभोजत सिंह ने बताया है कि इस अभियान के चलते 41 कंपनी CAPF, 4 कॉलम आर्मी व पुलिस की तैनाती की गई है और तलाशी अभियान समाप्त होने तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अल्फोंस कन्नाथानम ने गुरुवार को बीफ पर लगी रोक से भारतीय मेहमान नवाजी पर प्रभाव के सवाल पर कहा, वे अपने देश में बीफ खाए और फिर यहां आए। पर्यटन मंत्री के पद पर अपनी नियुक्ति के बाद अल्फोंस ने कहा था कि केरल में बीफ का सेवन जारी रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को भुवनेश्वर में कहा कि पार्टी आगामी ओडिशा विधानसभा चुनावों में किसी के गठबंधन नहीं करेगी। शाह ने आगे कहा, मतगणना के दिन सुबह 10:30 बजे हम 120 सीटें जीतेंगे और 2/3 बहुमत में राज्य में सरकार बनाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में 2019 में विधानसभा चुनाव होंगे। तेज तरार खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आपका न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ किशोरी शाहनेविच और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका न्यूज। आपके न्यूज के तमाम देखने वालों को अर्जुन की ओर से गणेश उत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी खुशियां आए। दिस इज अर्जुन wishing you all a very very happy festival once again, enjoy. नमस्कार, मैं अभिजीत खांडकेकर और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका न्यूज चैनल। मैं ये भी चाहूँगा कि इस चैनल के जरिए अच्छी खबरें लोगों तक जाए और सच्ची खबरें लोगों तक पहुँचा के अच्छे समाज निर्माण में ये चैनल अपना सहयोग दे। मैं इस चैनल की तरक्की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका न्यूज़ ये नया चैनल चालू हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो सही न्यूज़ जो रियल न्यूज़ है वो न्यूज़ को पेश किया जाए, प्रसारित किया जाए ये माध्यम से, और ऐसे ही उनका आगे फ्यूचर में फ्यूचर ब्राइट है। अगर न्यूज़ अच्छी चलाए, अच्छे अच्छे न्यूज़ लाए, जो रियलिटी है वो दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ चैनल आगे आगे एक शिखर पे एक मंजिल तक पहुंच जाएगा और मैं ये शुभकामनाएं उनको देता हूँ। जय हिंद। आपका न्यूज़ इस चैनल का उद्घाटन हो रहा है, इसे हमें आनंद हो रहा है। आपका चैनल को हमारी तरफ से आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका न्यूज़ अपना चैनल शुरू करने जा रहा है, तो उन्हीं के लिए 15 अगस्त के दिन हम पुलिस विभाग से शुभेच्छा प्रदान करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर तेज तरार खबरों में आप सभी का स्वागत है। अब एक नजर देश प्रदेश की जुड़ी खबरों पर।
जालोर के अगवरी गांव में पेड़ से फंदे से लटका संदिग्ध अवस्था में 14 वर्षीय बच्चे का शव मिलने के मामले में अभी तक परिजनों ने शव नहीं उठाया है। परिजन सुबह से ही हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी सुबह से जमा है, जिससे पुलिस समझाइश कर रही है। FSL टीम पुलिस की अन्य टीमों ने ही सुबह से ही घटनास्थल को पूरा कंगाल कर जांच कर रही है। SP विकास शर्मा ने बताया है कि अब तक हत्या या अन्य तरीके से वारदात को लेकर अभी तक पुलिस खुलासा करने की स्थिति में नहीं है। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होने के विरोध में आज भारी संख्या में पूरा बहुजन समाज की सभी जातियां एक मंच पर एक जाजम पर आकर इस मामले में न्याय के लिए यहां आहोर में एकत्रित हुई हैं। पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे में क्या किया है क्या नहीं किया इसके बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है, बल्कि देखा जाए तो पुलिस प्रशासन और ऊटपटांग बयानबाजी कर रहा है, जिसका समाज में गहरा रोष है और इसका खामियाजा प्रशासन को ही भुगतना पड़ेगा। सूबे के परिवहन मंत्री व जिले के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऋण मोचन योजना से आज 5000 किसानों को लाभान्वित किया। उन्हें इसके प्रमाण पत्र भी किसानों को बांटे। इस मौके पर DMJ सेवा कुमारी SSP वैष्णव कृष्ण समेत पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी ने कहा कि योगी सरकार ने अपने चुनावी संकल्प पत्र को पूरा करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि इस योजना से किसान अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सकेगा। इस मौके पर जब प्रभारी मंत्री से विधायक सावित्री कठेरिया के परिजनों के द्वारा लगातार अधिकारियों से की जा रही अभद्रता के मामले पर जब सवाल किया गया तो मंत्री भी चुपचाप निकल गए। कुल मिलाकर मंत्री जी बेशक अपनी इस योजना से किसानों में सरकार की छवि चमकी, लेकिन सरकार के विधायकों के परिजन लगातार जनता में अपने क्रियाकल्पों से CM की छवि कलंकित कर रहे हैं, जिन्हें संस्कार और अनुशासन सीखना बेहद जरूरी है। भामाशाह पशु बीमा योजना विधायक कटारा ने पशुपालन को दिया 50,000 का चेक। सागवाड़ा 7 सितंबर की घटना। सागवाड़ा में विधायक अनीता कटारा ने अपने कार्यालय में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत लाभार्थी को 50,000 का चेक दिया। भामाशाह बीमा योजना के तहत पादरही छोटी निवासी पशुपालन भंवरलाल रेबाड़ी को 50,000 रुपये का चेक दिया गया। इस मामले पर विधायक अनीता कटारा ने राजस्थान सरकार को शुक्रिया किया। जिले के उमेदाबाद गांव के निकटवर्ती बिश्नगढ़ में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। बानवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर अल सुबह 4 बजे मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी है अनुसार बिशनगढ़ क्रॉसिंग के पास बानवाड़ा की ओर से एक मालगाड़ी की चपेट में आने से जिले के थलुंडा निवासी पारसमल पुत्र अदरिगाराम मेघवाल की मौत हो गई है, जिसका मांडवला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जालोर से कांतिलाल मेघवाल, उमेदाबाद की कलम से बनाई गई ये रिपोर्ट। उमेदाबाद के निकटवर्ती एलाना में 9 गांव मेघलाल सेवा समिति की बैठक रखी गई, जिसमें कुआबेर, उमेदाबाद, एलाना, आलासन, वीराना, खरल के सभी युवकों और बुजुर्गों ने भाग लिया। अध्यक्ष चेताराम खरल ने बताया समाज के युवकों ने संगठन का साथ दिया है और आगे भी पूर्ण विश्वास है कि साथ देंगे। संयोजक दिलीप डांगरा ने बताया कि समिति के समाज सुधार की भावना को देखते हुए पंचों द्वारा समाज में दहेज प्रथा पर रोक लगाई व समाज ने नशा प्रथा को कम किया और आगे भी समाज के बुजुर्ग हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। समिति ने सभी साथियों का लक्ष्य है और समाज के सभी युवकों से निवेदन किया कि अपनी समाज नशा मुक्त हो और हर घर में शौचालय हो। सभी साथियों से निवेदन किया कि सभी एकजुट होकर रहे। नोपाराम अध्यक्ष
अध्यापक उमेदाबाद ने बाबूलाल आलासन ने बताया कि हम सभी संगठित होकर रहे और समाज में सुधार के लिए खुद से शुरुआत करें। राजाराम एलाना और एलानास के सभी युवकों और बुजुर्गों ने बताया कि द्वितीय सम्मान समारोह एलाना में होगा। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह ने बिजौलिया पहुंचकर दिवंगत विधायक कीर्ति कुमारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही विधायक के पिता राव सवाई चंद्रवीर सिंह समेत सभी शोक संतप्त परिजनों को सांत्वन प्रदान की। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। गौरतलब है कि विधायक कीर्ति कुमार की हाल ही में स्वाइन फ्लू होने से निधन हो गया था। लखनऊ पहले ही दिन की पहली शुरुआत में आई तकनीकी खराबी। आलमबाग मेट्रो स्टेशन पर एक घंटे से ज़्यादा समय से रुकी मेट्रो को चारबाग की तरफ वापस ले जा रहा है। तेज तरार खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे खेल और मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों का। देखते रहिए आपका न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ किशोरी शाहनी विच और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका न्यूज। आपके न्यूज के तमाम देखने वालों को अर्जुन की ओर से गणेश उत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी खुशियां आए। दिस इज अर्जुन विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फेस्टिवल वंस अगेन। एंजॉय। नमस्कार, मैं अभिजीत खांडकेकर और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका न्यूज चैनल। मैं ये भी चाहूँगा कि इस चैनल के जरिए अच्छी खबरें लोगों तक जाए और सच्ची खबरें लोगों तक पहुँचा के अच्छे समाज निर्माण में ये चैनल अपना सहयोग दे। मैं इस चैनल की तरक्की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका न्यूज़ ये नया चैनल चालू हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और वो सही न्यूज़ जो रियल न्यूज़ है वो न्यूज़ को पेश किया जाए, प्रसारित किया जाए ये माध्यम से और ऐसे ही उनका आगे फ्यूचर में फ्यूचर ब्राइट है। अगर न्यूज़ अच्छी चलाए, अच्छे अच्छे न्यूज़ लाए, जो रियलिटी है वो दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ चैनल आगे आगे एक शिखर पे एक मंजिल तक पहुंच जाएगा और मैं ये शुभकामनाएं उनको देता हूँ। जय हिंद। आपका न्यूज़ इस चैनल का उद्घाटन हो रहा है, इसे हमें आनंद हो रहा है। आपका चैनल को हमारी तरफ से आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका न्यूज अपना चैनल शुरू करने जा रहा है तो उन्हीं के लिए 15 अगस्त के दिन हम पुलिस विभाग से शुभेच्छा प्रदान करते हैं। तो चलिए अब एक सरसराती निगाह डालते हैं खेल और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर। फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान घायल होने को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाना खून बहाने लायक था। उन्होंने कहा, जब तलवार मेरे माथे पर लगी तो मैंने उसे महसूस किया, मैंने अपने चेहरे पर खून बहता हुआ देखा। कंगना ने कहा, आप हाव भाव और आचरण अपनाए बिना योद्धा नहीं बन सकते। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा है कि वह वाकई बीमार है और फिलहाल बेंगलुरु में आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पिछले 10 वर्षों से बिना ब्रेक लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बेचैनी, ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्याओं से लड़ने और असंतुलित डाइट ठीक करने के लिए इलाज की जरूरत थी। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत अब भी नंबर 1 है। वहीं बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी करने वाले ऑस्ट्रेलिया 4th से 5th स्थान पर फिसल गया है और बांग्लादेश 5 अंकों के फायदे के बावजूद 9th स्थान पर बरकरार है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 2रे और इंग्लैंड 3रे पायदान पर है। भुवनेश्वर में 1-10 सितंबर तक होने वाले पुरुष हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल्स के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें भारत का सामना अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा।
8 देशों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत को पूल बी में जगह मिली है। इसी पूल में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड की टीमें भी हैं। तेज तरार खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आपका न्यूज़।